इनमें से शुरुआत से अंत तक मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों को सजा है। आपका ऑप्शन ए रहा, ए विनोबा भावे, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी नाना देशमुख और डी राजीव गांधी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सही बनाया है। ए हो जाएगा बी लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा हो जाएगा विनोबा भावे 83, तीसरा हो जाएगा राजीव गांधी 91 और चौथा हो जाएगा नाना देशमुख। तो दोस्तों ये रहा मेरा जो है फास्ट और फिंगरप्रिंट का, समझिए पहला क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों को सजा है। आप तो भारत रत्न पता ही होगा, लेकिन मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? तो मरणोपरांत कुल 14 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, और ये कौन कौन व्यक्ति है चलिए विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जो सबको पता है, जिसे 1966 में मिला है, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। इसका मूल निवास राज्य जो था उत्तर प्रदेश था, वहां के थे, उत्तर प्रदेश राज्य के थे। भारत के दूसरा प्रधानमंत्री बने थे 1964-66 के दौरान, और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान के प्रांत पड़ता है, एक समझौता के तहत इनकी मृत्यु हुई थी, रहस्यमय मृत्यु। इंदिरा गांधी के समय में इसे भारत रत्न दिया गया। तो आप लोग इमेज भी देख सकते हैं, मैं इमेज भी लगा दिया हूँ, और लेफ्ट साइड भारत रत्न का इमेज है और राइट साइड पाने वाले को भारत रत्न मरणोपरांत जिसे मिला है उसका इमेज है। दूसरा व्यक्ति है कुमार स्वामी कामराज। अब कुमार स्वामी कामराज को 1976 ईस्वी में भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मूल निवास राज्य इसका जो है तमिलनाडु था, यानी तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के 3 टर्म जो है सीएम रह चुके हैं ये, और देखिए 1954-57, 57-62 और 62-63 में ये रहे थे। आप चाहे तो नोट भी इसे कर सकते हैं वीडियो को एक्सपोज करके। किसके समय में दिया गया था? तो इसे भी इंदिरा गांधी के समय में भारत रत्न मिला। तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे है, जो 1983 ईस्वी में इसे भारत रत्न दिया गया। और इनका जो रहने का राज्य था, मूल निवास था, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी इसे नवाजा गया। कब? तो 1958 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। भूदान मूवमेंट जो है विनोबा भावे से संबंधित है, आप लोग पता होगा। और इन्हें किसके समय में दिया गया? तो इंदिरा गांधी के समय में इन्हें भारत रत्न दिया गया। चौथा व्यक्ति है डॉक्टर एम जी रामचंद्रन, मखदूम गोपाल रामचंद्रन, इसे 1988 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो तमिलनाडु के रहने वाले थे, और ये 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखना है, 3 टर्म 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कब कब रह चुके हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, 1977 से 80, 80 से 84 और 85 से 87, 3 टर्म ये सीएम रह चुके हैं। और किसके समय में दिया गया? राजीव गांधी के समय में इसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। पांचवा व्यक्ति पढ़ते हैं हम लोग अम्बेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे 1990 ईस्वी में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। इनका जो राज्य था, जन्म स्थान था मध्य प्रदेश, रहने वाले थे। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अछूतों के रूप में ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब कब तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 30, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन था, 1930, 31 और 32 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा को 1924 ईस्वी में इसने स्थापना किए थे। स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी के 1936 ईस्वी में, और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में इसे दिया गया था। छठा व्यक्ति है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में भारत रत्न मिला है, और ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, या भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के पेरम्बूर में एक बम धमाका में हो गए थे। तो इस किसके समय में इन्हें दिया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के समय में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। सातवां व्यक्ति हम लोग पढ़ते हैं, सातवां व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 ईस्वी में
मरणोपरांत भारत रत्न मिला। और ये किस राज्य के थे? गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री भी थे। और इन्हें किसके समय में दिया गया? पीवी नरसिम्हा राव के समय में इन्हें भारत रत्न दिया गया। आठवां व्यक्ति है, आठवां व्यक्ति कौन सा है? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद को जो है 1992 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। ये जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्मदिन पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव के समय में इन्हें दिया गया। और नवा व्यक्ति है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को कब दिया गया? 1997 ईस्वी में इसे भारत रत्न दिया गया। मूल निवास राज्य इसका हरियाणा है। उसके बाद अरुणा आसफ अली वाज इलेक्टेड वाज दिल्ली फर्स्ट मेयर 1958 ईस्वी में। तो दिल्ली के फर्स्ट मेयर भी ये बनी हुई है। कब बनी? 1958 ईस्वी में बनी है। और इसे इंद्र कुमार गुजराल के समय में मिला है। किसके समय में? इंद्र कुमार गुजराल के समय में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। अब हम दसवां व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। दसवां व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला है? तो इन्हें 1998 ईस्वी में दिया गया है। कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। और इसके बारे में पढ़ते हैं, इन्हें लोकनायक के उपनाम से जाने जाते हैं। लोकनायक के उपनाम से किसे जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को। इन्हें जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दिया गया है। किसके समय? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दिया गया। ग्यारहवां व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ग्यारहवां व्यक्ति गोपीनाथ बारदोलोई को कब मिला? तो इन्हें जो 1999 ईस्वी में दिया गया। ये किस राज्य के रहने वाले थे? तो असम के रहने वाले थे। और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखना है, ये असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके नाम पे एक हवाई अड्डा के भी नाम रखा गया है। किनके समय में मिला गया? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इन्हें दिया गया। बारहवां व्यक्ति है, बारहवां व्यक्ति मदन मोहन मालवीय। अब मदन मोहन मालवीय जी को 2014 ईस्वी में मिला है, आप इमेज देख सकते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के रहने वाले थे। जो हाल ही में मिला है इनको 2014 ईस्वी में मोदी जी के समय में, इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। आपको याद रखना, आप ध्यान दीजिएगा कि जितना भी मैंने इमेज लगाया था वो पोस्टेज इंडिया पोस्टेज इमेज था, यानी कि जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था वही इमेज मैंने लगाया हूँ। तो आप लोग वीडियो के बैक करके भी इसे गौर से देख सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में इन्हें भारत रत्न दिया गया। तेरहवा व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तेरहवा व्यक्ति भूपेन हजारिका को मिला है। कब मिला है? 2019 ईस्वी में इन्हें दिया गया है। और ये जो है असम के रहने वाले थे, याद रखना कहाँ के थे? असम के। तो भूपेन हजारिका जी जो एक संगीत से जुड़े हुए थे। और ये श्री नरेंद्र मोदी के समय में इन्हें भारत रत्न मिला है, जो हाल ही में दिया गया है। आपको अच्छे से याद रखना है, जो अभी हाल में मिला है और ज्यादा पूछने की संभावना है। चौदह पढ़ते हैं हम लोग। किसे मिला है? तो नानाजी देशमुख को मिला है। नानाजी देशमुख को 2019 ईस्वी में दिया गया है। और इसका मूल निवास है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यह एक समाज सुधारक थे। कौन थे? एक समाज सुधारक थे। इन्हें भी नरेंद्र मोदी जी के समय में दिया गया है। तो ये लास्ट पर्सन है जो अभी तक भारत रत्न मिला है। मैंने लगभग जितने भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला है सभी को कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो और इससे बेहतरीन लेके आने वाला हूँ। तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा।